नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पाइस विद फ्लेवर में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हार्ट शेप केक, जिसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा। उसको डाल लेंगे हम एक बड़े बर्तन में। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक, आधी कटोरी डाल देंगे पिसी हुई चीनी। मिक्स कर लेंगे इनको। आप इसको छान के भी डाल सकते हो और इस तरीके से भी मिला सकते हो। अब इसमें डाल देंगे एक कटोरी से थोड़ा कम दूध डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे, मैंने छोटी कटोरी ली है आधी कर्ड की, उसको डाल लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे इसे भी। इसके बाद ले लेंगे हम बटर क्यूब्स, जिन्हें मैंने मेल्ट कर लिया है गैस पर, उसे डाल लेंगे। आप आधा कटोरी रख लीजिए छोटी वाली। अच्छे से मिला लेंगे इसे। अब डाल दूंगी मैं इसमें बटर स्कॉच एसेंस 8-10 बूंदें। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ये ऑप्शनल है। इससे खुशबू अच्छी आती है और खाने में इसमें टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसको भी मिला लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिला लेना इसे, कोई लम्स ना रह जाए और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपस में मिल जाएं और बिल्कुल एक स्मूथ साइज़ का जो बैटर है वो बन जाए। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया है, मेरे पास हार्ट शेप का है। इसमें मैंने ग्रीस कर लिया है, बटर को लगा दिया है सारे और इसमें इस बैटर को अब डाल रही हूँ। थोड़ा सा टैप कर लेना है इसे और इसमें अब डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। मैंने कढ़ाई ले ली है और इसको मैंने गरम कर लिया है और उसमें अब मैं रख लूँगी एक स्टैंड। आप कोई भी बर्तन रख सकते हो जिसमें आपका जो केक वाला बर्तन है वो फिट आ जाए। इसमें अब रख देंगे हम ये केक का बैटर और इस पे लगा देंगे ढक्कन। बिल्कुल सिम गैस रखनी है और इसको हम 40 या 45 मिनट के बाद खोलेंगे और बिल्कुल भी इसकी गर्म हवा बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और ये देखिए बन गया है 45 मिनट्स के बाद। और नाइफ से इसको चेक किया है तो बिल्कुल इसके साथ कुछ नहीं आया है, साफ़ निकला है। तो हम इसे निकाल लेंगे। अब ये देखिए केक बनके बढ़िया तैयार हो गया है। इसको टैप टैप करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसको ग्रीस किया था हमने बटर के साथ। ये देखिए गरम है और अच्छे से निकल गया है, काफ़ी स्पंजी बना है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बढ़िया लगता है। पर इसमें हम थोड़ी सी कर लेंगे आइसिंग, इसकी ऊपर वाली लेयर निकाल देंगे पहले। अब हम इसका जो नीचे का है वो रख लेंगे और इसमें लगा देंगे हम थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम को, ताकि जो केक है वो खिसके नहीं अपनी जगह से। और एक नाइफ से बीच में कट लगा देंगे, पूरा ही काटना है इसे, सेंटर में से करना है इसे। ये देखिए इस तरीके से हमें पूरा इसे काट लेना है। मैंने एक प्लेट ले ली है,
उसके ऊपर मैंने इसे रख दिया है। थोड़ा गर्म है, इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ा। इसके ऊपर अब हम लगा देंगे क्रीम। इस तरीके से इसे सब जगह फैला देना है। और इसके ऊपर अब दूसरा जो पार्ट काट के रखा था उसको लगा देंगे। इसके ऊपर भी हम क्रीम लगा देंगे, अच्छे से फैला देंगे इसको सारी जगह पे। ये देखिए, इस तरीके से हम, मैंने तो चम्मच से ही लगा दिया और नाइफ से इसको जो है वो सारी इसकी जो ऊपर की लेयर है उसको मैं प्लेन कर रही हूँ। साइडों पे भी इसी तरीके से हमें लगा लेना है क्रीम को। अब स्टैंड तो है नहीं इसका, तो मैंने एक पतीली ले ली है और उसके ऊपर मैंने केक को रख दिया है और अच्छे से ये घूम सके इसलिए इसका यूज़ किया है। अच्छे से कवर कर लेना है सारे केक को क्रीम से। ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने क्रीम को जो है वो एक पॉलीथीन बैग में इस तरीके से डाल ली है और इसकी जो नोक है उसको हम कैंची से काटेंगे, थोड़ी छोटी ही काटेंगे और इससे हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। मेरे पास घर पे जो सामान पड़ा था मैं उसी से ही सारा ये काम कर रही हूँ। आपके पास अगर इसका प्रॉपर सामान है तो उससे बढ़िया बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके से मैं बना रही हूँ। इतने अच्छे डिज़ाइन तो नहीं आते हैं पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से की जाए। अगर आपके पास चॉकलेट वगैरह है तो उससे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ऊपर से वो ज़्यादा खुल के नज़र आता है, अच्छा लगता है देखने में। तो मैं जो अभी सामान मेरे पास है मैं उसी से ही इसको बना रही हूँ और डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। नीचे से भी इसको थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं। इसके ऊपर मैं अब लगा दूंगी टूटी फ्रूटी। ये देखिए इस तरीके से ये बना है। मैंने भी एक कोशिश की, आपको कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताना। ये हमारा केक बन गया है। अब इसको अब काट के देखते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बना है केक। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। और केक कैसा बना है कमेंट करके बताएं।